दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी माफीनामा। टेबल पर रखी घड़ी का अलार्म बज रहा था। कोई घनघनाहट या आम रिंगटोन नहीं, बल्कि एक मीठा सा पुराना फिल्मी गीत। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। रेवती ने आकर अलार्म बंद किया, मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और अखबार हाथ में पकड़ा कर चाय बनाने चली गई। दिन की इससे अच्छी शुरुआत भला और क्या हो सकती थी। मैं उठा और अलार्म में अगले दिन के लिए नया गाना सेट कर दिया। एक बार फिर रेवती की पसंद का गाना। ये मेरा शादी के बाद से लगातार चले आने वाला नियम था। एक सही गाने की सेटिंग के एवज में मुझे रेवती यानी मेरी पत्नी की सलोनी मुस्कान देखने को मिल जाती थी। हमारी शादी को 2 साल होने आए थे। इन 2 सालों में मैंने उसका पूरा ख्याल रखा, बिना कहे उसकी तकलीफें समझता रहा, पसंद नापसंद जानकर उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट्स लाता रहा, उसे खुश रखने की हर तरह से कोशिश की। यानी एक अच्छा पति बनने के लिए जो भी जरूरी शर्तें थीं, वो मैं सब पूरी करता रहा हूं। मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूं कि बीवी को खुश रखने वाला मैं अकेला पति हूं, बल्कि बातों बातों में एक कन्फेशन करना चाहता हूं कि मैंने ये सब उससे ज्यादा खुद अपने लिए किया। रेवती जब तक चाय बनाकर लाई, तब तक मैं अखबार को बिस्तर पर फैला चुका था। आगे के 2 पन्ने मेरे सामने और बीच के बाकी रेवती के। हमारे अखबार पढ़ने का यही तरीका था। वैसे हमारे हर काम को करने का तरीका ऐसा ही था, मिल बांट कर। एक मन ही था जो मैंने उसके साथ नहीं बांटा था। एक हिस्सा अब भी अनचाहे ही बीते दिनों के नाम कर रखा था। मैं चाय की छोटी छोटी चुस्कियों के साथ अखबार के पहले पन्ने पर छपी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने लगा। फिर नंबर आया उन खबरों का जो हमारे आसपास घटती हैं। ये छोटी खबरें मुझे बड़ा परेशान करती हैं, क्योंकि इनमें एक न एक ऐसी बात जरूर होती है जिसमें इश्क का जिक्र होता है, इश्क में की गई बेवफाई का जिक्र होता है, और वो खबर मुझे अनमना कर देती। आज भी वही हुआ। भीतर के पन्नों में खबर थी किसी प्रेमी की बेवफाई की, प्रेमिका के दिल टूटने की, उसके बिखर जाने की, और फिर उस लड़की के आत्महत्या कर लेने की। मुझे लगा जैसे वहां मेरा नाम लिखा है, जैसे मैं किसी कटघरे में खड़ा हूं और न जाने कितनी उंगलियां मेरी ओर उठी हुई हैं। मैंने भी किसी का दिल तोड़ा था। मैंने खबर वाले पन्ने को भीतर दबाकर अखबार मोड़ दिया और उस पर कांच का वजनी पेपरवेट रख दिया। वो पन्ना तो मेरी आंखों से दूर हो गया, मगर अतीत के कई पन्ने मेरी आंखों के सामने हवा में तैरने लगे। आशिमा, हर पन्ने पर यही नाम तो लिखा हुआ था। मैं बेचैन हो गया। क्या आशिमा भी मेरे लिए अब तक परेशान होगी? क्या उसका भी दिल टूट गया होगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो बेहद बिंदास जिंदा दिल लड़की थी। मुझे यकीन था कि बात बात पर आई लव दिस, आई लव दैट, आई लव माई लाइफ कहने वाली लड़की कम से कम खुशियों से इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं जानता था कि वो ज्यादा दिन उदास नहीं रह सकती थी, मगर उस खबर ने मेरे यकीन को डगमगा दिया था। काश कि मैं अखबार की तरह बीती बातों पर भी पेपर वेट रख सकता, उनको तह करके अपनी नजरों से दूर रद्दी में फेंक सकता। मेरी प्याली में रखी चाय ठंडी हो रही थी, मगर मुझे इस बात की कहां फिक्र थी। मैं तो अपनी अतीत यात्रा पर निकल चुका था। आशिमा की याद ने फिर दस्तक दे दी थी। यादें भी कैलेंडर की तारीखों की तरह तो होती हैं। कितने पन्ने पलट लो, मिल ही जाती हैं किसी और सूरत में, किसी अलग शक्ल में। आशिमा कॉलेज में मेरी सबसे खास दोस्त थी। नोट्स बनाना, कैंटीन में साथ बैठकर कॉफी पीना, एक सैंडविच को बांटकर आधा आधा खाना और फिर वीकेंड में उसी हफ्ते रिलीज हुई फिल्म देखना, ये वो वक्त था जब कैंटीन का बिल बाकायदा 2 से भाग देकर आधा आधा किया जाता और फिल्मों के टिकट भी हम अपने अपने पैसों से लेते थे। इंटरवल में खरीदे पॉपकॉर्न का पैसा आशिमा देती, क्योंकि बाइक मेरी इस्तेमाल होती थी जिसमें पेट्रोल भी मेरा ही होता। अच्छा वक्त था वो, बेफिक्री थी, एक दूसरे का साथ भी था और निभाने की कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं था। दोस्तों के रिश्तों में ये सुविधा मुफ्त मिला करती है। लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम होने लगी।
अब कैंटीन के बिल कभी वो देती तो कभी मैं। महीने के आखिर में मेरे पैसे खत्म हो जाने पर वो जिद करके कुछ 150 के नोट मेरी पॉकेट में ठूंस देती। मुझे बड़ा अच्छा लगता। गलत मत समझिए, उससे पैसा लेना नहीं बल्कि उसकी उंगलियों का यूं छू जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहले हम एक दूसरे की खुशी को महसूस कर लेते थे, साथ में सेलिब्रेट भी करते, लेकिन अब एक दूसरे के दुख और तकलीफें भी हम पर असर करने लगी थीं। हम साथ में उदास होना सीख गए थे। मुझे कभी कभी लगता जैसे हमारे बीच की दोस्ती खुद को सिकोड़ कर मोहब्बत की जगह बनाने लगी है। मैंने ऐसा हो जाने दिया था, नहीं रोका था दोस्ती को, नहीं धकेला था मोहब्बत के उस अनकहे एहसास को। मैं स्वार्थी हो गया था। मैं आशमा की चाहत का जैसे लुत्फ उठाने लगा था। वो मेरी पहले से कहीं ज्यादा परवाह करने लगी थी। कैंटीन में सैंडविच के दो हिस्से होने की जगह अब वो अपने घर से मेरे लिए पराठे बनाकर लाने लगी थी, मेरी पसंद के मेथी के पराठे और अदरक की चटनी। तीज त्योहार, नया साल, मेरा जन्मदिन, ये सब वो एक उत्सव की तरह पूरे जोश के साथ मनाती। मैं खुद को कोई सूरमा समझने लगा था, शायद एक्स्ट्रा स्पेशल। लेकिन मेरे दिल में आशमा की क्या जगह थी, इस सवाल का जवाब उलझता जा रहा था। मैं ख्यालों में गुम था कि रेवती की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। न जाने कब से मैं आशमा और अपने बारे में सोच रहा था। ये शायद मैंने आदत सी बना ली थी और जब तब बीते दिनों के सूखे पत्तों पर पानी छींट छींट कर उनको हरा किया करता था। मुझे अपने आप पे गुस्सा आ गया कि एक तो मैंने आशमा का दिल तोड़ा और अब उसे याद करके रेवती का दिल भी दुखाने की तैयारी कर रहा था। सच मानिए, अब आशमा के लिए मेरे दिल में जरा भी जगह नहीं। मैं बस एक बार उससे मिलके ये कहना चाहता था कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मैं ये जान लेना चाहता हूं कि वो खुश है कि वो मुझको भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। मैं उससे ये सुन लेना चाहता हूं कि उसने मुझे माफ कर दिया है। बस, कितनी मासूम और साफ दिल की लड़की थी वो। मैं अनचाहे ही फिर उसके बारे में सोचने लगा था। उसके करीब होकर जिंदगी कितनी आसान, कितनी खूबसूरत लगती थी। हर दिन अलग, हर दिन नए रंग का लगता था। उसके कानों की बालियों में लटके मोतियों जैसा, सोमवार को सफेद, मंगल को नीला और बुध को हरा। कभी कभी मैं दोस्ती की हद को पार करने की गुस्ताखी करके अपनी एक उंगली से हौले से उन मोतियों को झुला देता। उसकी कनपट्टी सुर्ख हो जाती और मैं झट से अपनी हद में लौट आता, दोस्त बन जाता। वैसे सच कहूं तो मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं कि मैं उसका क्या हूं, कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, क्योंकि जवाब शायद मैं जानता था लेकिन सुनना नहीं चाहता था। लेकिन उसका यूं चाहना मुझे अच्छा लगता था। कॉलेज कैंपस के किसी कोने की बेंच पर बैठी खामोशी से मेरे नोट्स बनाती हुई वो मुझको बेहद अच्छी लगती थी। और जब बीती रात का कोई सपना मुझे सुनाती जिसमें मेरा जिक्र होता तो मैं खुश हो जाता और उसे भी मनगढ़ंत एक झूठा सपना सुना देता। अब लगता है कि मुझे सपनों की अदला बदली नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं एक पुल की खोज में हूं जो मुझे 2 बरस पहले के उस वक्त में ले जाए जहां मैंने आशमा को इंतजार करता हुआ छोड़ दिया था। उससे मिलके अपना मन हल्का करके मैं उस पुल से ही लौट भी आना चाहता हूं। शाम को मैं दफ्तर से लौटा तो एक लिफाफा टेबल पर रखा था, किसी की शादी का कार्ड था। मैंने कार्ड उठाया तो उसके हल्दी चावल लगे कागज में लिपटी न जाने कितनी खुशबुएं हवा में तैर गईं। मेरे दोस्त मानस की शादी थी। मैं तारीख देख ही रहा था कि फोन बजने लगा। मानस ही था। हमेशा की तरह हड़बड़ाया और जल्दी में। थोड़ी देर बात करके बोला, अपने आने की तारीख तय करके बताना, पर आना जरूर है, पुराने सारे दोस्त आ रहे हैं, आशिमा भी। मेरे कान झनझन आ गए। कान क्या, मन के सारे तार भी झनझन आ गए। आशिमा, आखिर मिल सकूंगा उससे पूरे 3 बरस बाद। जहन में फिर वही दिन आ गया जब आशिमा का फोन आया था और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। वो चिड़ियों की तरह चहक रही थी। आज मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूं, कुछ बहुत खास, देर मत करना। और उसने हमारी पसंदीदा कॉफी शॉप में आने का वादा लिया शाम ठीक 5 बजे और फोन रख दिया था। मैं पशुपेश में पड़ गया था। क्या हो सकती है उसकी दिल की बात? अगर उसने प्यार का इजहार कर दिया तो?
या क्या पता शादी की बात ही करते। प्यार और शादी के नाम से ही मुझको अपने करियर की फिक्र हो आई थी और आगे पढ़ने की इच्छा जाग उठी, और उस एक पल में ही आशिमा की दोस्ती मुझे एक बेड़ी की तरह लगने लगी थी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे इस मुलाकात से, इस सरप्राइज से बचूं। ना कहने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। आखिर मैंने एक सख्त फैसला लिया। उस दिन वो इंतजार करती रही और मैं कॉफी शॉप नहीं गया। शाम गुजर गई और रात और अगला दिन भी। मैं डरता रहा कि आशिमा फोन करेगी या क्या पता घर ही आ जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन के बाद से मैं खुद को भगोड़ा मान चुका था, पर आज मैं भागना नहीं चाहता था। पंखे की हवा के सामने रखा मानस की शादी का कार्ड फड़फड़ा रहा था। मैंने तारीख देखी और अपनी टिकट्स बुक कर दी। पूरे सफर के दौरान मैं सिर्फ यही प्रैक्टिस करता रहा कि वहां अगर आशिमा मिली तो मैं क्या कहूंगा, किस तरह उससे माफी मांगूंगा, पहले हालचाल पूछना ठीक रहेगा या सीधे मुद्दे पे आ जाऊंगा, या उसके उदास चेहरे की वजह पूछूंगा, और वो उदास न दिखी तो। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ऐसे ही अनमने अटपटे ख्यालों में उलझे उलझे ही मेरी टैक्सी मानस के घर पहुंच गई। मैं सूटकेस खींचता हुआ फूलों से सजे दरवाजे को पार करता भीतर घुसा तो सामने ही गेंदे की माला बनाती आशिमा पर नजरें टिक गईं। हल्की गुलाबी साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी मांग सूनी थी, न कोई मंगलसूत्र नजर आया। तो क्या आशिमा ने अब तक शादी नहीं की? वजह क्या मैं हूं? मैं पता नहीं कितनी देर वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। सारे दोस्त मेरे करीब आ गए थे, आशिमा भी। मैंने मुस्कुराकर सबसे हाथ मिलाया, आशिमा से भी। कैसी पहचानी छुअन थी। मेरा दिल किया कि कस लूं उसकी उंगलियों को। वो एकदम सहज थी, न आंखों में कोई गिला, न बातों में कोई शिकायत। मैं खुद को बहुत ही अनमना महसूस कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर में ही बातों और हंसी मजाक के दौर चल पड़े और मुझे वक्त मिल गया कि अपने आप को संभाल सकूं, सहज दिखा सकूं। आशिमा के सामने आते ही मेरा माफी मांगने का सारा प्लान फ्लॉप होता दिख रहा था। एक बार फिर मेरा भाग जाने का मन हो रहा था। भीड़ के बीच में मेरी नजर बार बार उसी पर जाकर ठहर जाती। कई बार हमारी नजरें टकराई भी, लेकिन उसकी आंखों के खालीपन से मैं डर जाता और नजरें फेर लेता। दिन ऐसे ही गुजर गया। रात को संगीत पार्टी थी, सब डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। मैं कोने में चुपचाप बैठा था, तभी आशिमा आकर मेरे करीब कुर्सी खींचकर बैठ गई। मैंने अचकचाकर पहले उसे देखा, फिर यहां वहां ताकने लगा। वो हंसती। फिर भाग जाने का इरादा है क्या? मैं चुप रहा। कहने को बहुत कुछ था मगर कह नहीं पा रहा था। फिर हिचकते हुए पूछा, कैसे हो, कहां हो? आशिमा ने नजर भरकर मुझे देखा, फिर बोली, अच्छी हूं, खुश हूं, आसाम में हूं, हस्बैंड आर्मी में कर्नल है। अच्छा, मेरे मुंह से निकला, जैसे मुझे जान के दुख हुआ कि वो खुश है या शादीशुदा है। मेरा मेल ईगो हर्ट हुआ हो जैसे। फिर आशिमा ने बताया कि उस रोज मेरे ना आने पर वो समझ गई थी कि मेरे दिल में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं कहना चाहता था कि यह गलत है, पर कह नहीं सका। अब कोई फायदा भी नहीं था। वो बोली, मैं बहुत रोई थी उस दिन, तुम्हें शायद कोसा भी होगा, लेकिन फिर लगा कि इसमें तुम्हारा दोष कहां था। मैंने तुम्हें बताया ही कब था कि मैं तुमको चाहती हूं। मैंने अपना हाथ आशिमा के हाथ पर रख दिया और आखिर कह ही दिया, मुझे माफ कर सकोगी? बहुत परेशान रहा हूं इन 2-3 सालों में, सच कहूं तो बड़ी तकलीफ में रहा हूं। आशिमा मुस्कुरा दी। मैंने तुमको कब का माफ कर दिया था, तभी तो जिंदगी के उस मोड़ से आगे बढ़ सकी, तुमको दिल से निकाल सकी। नाकाम मोहब्बत का वजन ढोते ढोते जिंदगी थक जाती है। मैं बुदबुदाया, और मैं वहीं ठहरा रहा, वहीं का वहीं, थका हुआ सा। कमरे में म्यूजिक का शोर बढ़ता जा रहा था। आशिमा डांस फ्लोर पर अपने पति के सीने पर सर रखे थिरक रही थी, और मैं मन ही मन एक और माफीनामा लिख रहा था, अपने लिए, अपनी अब तक की जिंदगी के लिए। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।